आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी जिंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अभी मैं जा रहा हूँ सिपारा पढ़ने। मैंने टोपी पहनी है, फिर टोपी पहन ली है और अभी मैंने कपड़े भी नए पहने, मुँह हाथ भी धो लिए और अभी मैंने सिपारा उठाना है और सिपारा पढ़ने जाना है। अभी आज हमने नाश्ता कर लिया, सुबह भी हो गई है और अभी चलता। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी अच्छी से दुआ के साथ जी आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले बनाने लगी हूँ कस्टर्ड अब्दुल्लाहत के लिए, तो मैंने कहा उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जनाब, सबसे पहले ये काम कर लें, फिर आगे की वीडियो देखते रहें। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरे पास 1 लीटर दूध है और ये थोड़े से बादाम है, इसके अलावा 1 कस्टर्ड पाउडर है, पैकेट छोटा वाला जो होता है, और ये ओरियो बिस्किट है, इसके भी हम लेयर लगाएंगे कस्टर्ड में। तो ये और हाँ चीनी भी होगी, एक वो इंग्रेडिएंट मैं मिस कर गई हूँ। अच्छा जी, ये है हमारे पास चीज़ें जिनसे हम बनाएंगे कस्टर्ड। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। मैं साथ साथ मैं ये बनाना भी शुरू करती हूँ और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं। सबसे मैं सिलेंडर में खोल के आ जाऊँ और मेरी तरफ से भी सारी प्यारी प्यारी बेटियों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक दे सबको, और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे, जिनकी है तो उनको भी माशाल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कामयाब करे उनको, उनके माँ बाप का साया सलामत रहे हमेशा, आमीन सुमा आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो मैं कैमरामैन बनी हुई हूँ। 1 कप दूध मैंने निकाल लिया है इसमें से। अच्छा, बाकी दूध को हम रखेंगे। अब्दुल्लाहत गया ट्यूशन। हाँ जी। तो वो कह के गया कि मैं आऊँ तो मेरे लिए कस्टर्ड तैयार हो। एक कप जो हमने दूध निकाल के पहले रख लिया था ना उसमें मिला रहे हैं कस्टर्ड पाउडर। ये पूरा मिलाओगे? हाँ जी, क्योंकि अच्छा हम 1 लीटर मिल्क है ना। हाँ, एक पैकेट तो है। हाँ जी, तो फिर हम इसमें सारा डाल देंगे। कप भी छोटा है। मुझे बता दे वो ना, वो दूसरा उतार देते। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जब भी हम लोग वीडियो शूट करने लगते हैं ना, तो इत्तेफाक की बात है कि उसी टाइम कोई ना कोई हमारे घर आ ही जाता है। तो अभी भी अम्मी शूट कर रही थी ना, तो फिर बड़े मामू आ गए थे, तो अम्मी फिर उनके पास बैठ गई थी बाहर, उनके साथ बातें बातें करने लग गई। तो मामू जो है ना वो हमारे घर दिन में 2-3 चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि मामू जब दुकान पर जाते हैं ना, अपने घर से दुकान पर जब जाते हैं तो हमारा घर रास्ते में उनको पड़ता है, तो फिर वो चक्कर लगा लेते हैं कि मतलब वैसे ही मतलब खैर खैरियत पूछ ली, कोई काम हुआ, या फिर वैसे भी अगर मामू थके हुए होते हैं तो हमारे घर सांस लेने के लिए बैठ जाते हैं, ठंडा पानी पीने के लिए आ जाते हैं, तो इस तरह से मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। तो फिर अम्मी उनके साथ बैठ गई थी, मामू को अम्मी ने सत्तू बना के दिया। अक्सर ऐसा होता है कि जब मामू आते हैं तो गर्मी में, क्योंकि आजकल गर्मी आपको पता है कितनी है, तो बड़े मामू का ये होता है, उनकी उम्र है, बुज़ुर्ग हैं वो, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ उनको ठंडा शरबत बना के दें, या सत्तू बना देते हैं, या उनको जामेशीरी बना देते हैं, ताकि उनकी जो गर्मी है, जो उनकी थकन है, वो थोड़ी कम हो जाए। कूलर में उनको बिठा देते हैं कि आप कूलर में लेट जाएँ, थोड़ा देर रेस्ट कर लें। ये उम्र नहीं है उनकी इस तरह के मेहनत वाले काम करने की, लोहे का काम करते हैं वो ना, साइकिलें बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैंने सोचा था मैं लेयर लगाऊंगी कस्टर्ड की, लेकिन मेरा सारा प्लान चौपट हो गया, क्योंकि
क्योंकि मैंने गरम गरम जो कस्टर्ड है ना, मतलब वैसे बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं थी, यहाँ पे तो काफ़ी हद तक नॉर्मल टेम्परेचर तक हो गई थी, लेकिन फिर भी मतलब जब मैंने बिस्किट की लेयर लगाई ना, तो फिर मुझे इसको फ्रिज में रख देना चाहिए था, और उसके बाद ये जब अच्छी खासी चिल हो जाती तो फिर दोबारा मुझे वो जो बची हुई कस्टर्ड है ना ऊपर डालनी चाहिए थी, तब लेयर बनती। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसी टाइम दूसरी कस्टर्ड भी डाल दी, तो वो लेयर जो मैंने बनाने की कोशिश की वो सारी चट हो गई, नहीं बन पाई। और वो बिस्किट का जो वो था ना, मैंने रियो बिस्किट लेके ना उसको मैंने अच्छे से पीस लिया था, तो वो एक पाउडर सा बन गया था, वो फिर मैंने ऐसे डाला तो बस वो मिक्स ही हो गया पूरी कस्टर्ड में, लेकिन जायका बहुत अच्छा बन गया था, मतलब लेयर नहीं बन गई थी लेकिन बस वैसे अच्छा बना था। मम्मी ने कपड़े धोए थे तो बस अब हम लोग ना बाहर बैठ रहे हैं, तो चारपाइयाँ निकाल दी हैं और जो कोफ्ते हमने रखे हुए थे ना वो बनाने लग गए हैं, क्योंकि आज हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, तो उनके लिए हमने कहा चलें कोफ्ते बना लेते हैं। और जो मैंने उस दिन कोफ्ते बनाए थे ना, वो मैंने ऐसे किया था कि पानी डालने के बाद, मसाला भूनने के बाद पानी डाला था और उसके बाद कोफ्ते डाले थे ना, तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि आप ही, आपको पहले कोफ्ते फ्राई करने चाहिए थे। तो बाद में मुझे भी एहसास हुआ कि हाँ वाकई फ्राई करके देखते तो शायद ज़्यादा मज़े के बनते। उस दिन भी सही बने थे, मतलब बुरे नहीं बने थे, अच्छे बने थे, लेकिन फिर आज मैंने सोचा कि इसको पहले फ्राई करती हूँ फिर इसको पकाती हूँ, तो देखते हैं कि जायके में कितना फ़र्क आता है। तो आज मैंने पहले कोफ्ते जो है ना वो फ्राई किए हैं और वाकई टेस्ट में फ़र्क आया है, वाकई ही फ्राई करने से जो वो है ना वो ज़्यादा अच्छे बन गए थे इस तरह से। तो मतलब जो उस दिन बनाए थे ना, अगर दोनों का मुकाबला किया जाए तो जो मैंने आज बनाए, जो फ्राई पहले किए वो ज़्यादा अच्छे बने थे। तो थैंक यू आप सब लोगों के कमेंट आए, तो उसकी वजह से मैंने फिर फ्राई करने का सोचा और फिर ये मेरी डिश बहुत अच्छी बनी थी। और आज मैंने इसमें आलू भी डाले थे, मैंने आलू और कोफ्ते का मतलब सुना था कि अच्छे बनते हैं, तो फिर आज मैंने आलू भी थोड़े से डाल दिए थे और बहुत मज़े के बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे। और आप लोगों ने कल एक वीडियो देखी सिदरा किचन हैक्स के चैनल पे, सिदरा जो है हमारी सिस्टर, उन्होंने मेरी वीडियो लगाई और मुझे शाउट आउट दिया। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे शाउट आउट दिया, और आज के ज़माने में कोई किसी के लिए इतना कर दे बहुत बड़ी बात होती है, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया सिदरा सिस्टर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे और अल्लाह पाक आपकी बेटियों के नसीब अच्छा करे, आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा अल्लाह ताला खुशियाँ दे, आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में सोचा। और कमेंट्स, उनको कह रही थी कि उनको कमेंट्स आए थे कुछ कि जी लुबना को हेल्प की ज़रूरत है सिस्टर, तो आप उसकी हेल्प करें। तो आप सब लोगों का भी शुक्रिया, उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने जाकर सिदरा को कहा, बहुत ज़्यादा शुक्रिया दिल से। और आखिर में एक दफ़ा फिर से सिदरा सिस्टर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उन्होंने मेरे बारे में सोचा, उन्होंने एक नेकी का काम किया है। बाकी ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हम इसको क्यों देखें, इसके ब्लॉग्स में क्या होता है ख़ास। सही कह रहे हैं आप, मेरे ब्लॉग्स में कुछ खास होता नहीं है, बस वही नॉर्मल रूटीन रूटीन और रूटीन, कोई कब तक देखेगा जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, जब आपके पास अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स हैं, ग्लैमर है, प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, ब्लॉगर्स जो हैं वो इतनी अच्छी आपको चीज़ें दिखाते हैं, ग्लैमर दिखाते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं जो बनाते हैं लोग जो करते हैं, मतलब इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं और अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, तो उन सबको छोड़ के मुझे देखना किसको पसंद होगा। तो समझ सकती हूँ मैं, मेरा मतलब मेरा कंटेंट ऐसा नहीं है जो लोगों को अपने तरफ खींचे, लेकिन जितने लोग मुझे देख रहे हैं ना, जितने लोग मुझे देखते हैं डेली सपोर्ट करने के लिए अच्छे, उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग, मुझे पता है आप लोग भी शायद कभी बोर हो जाते होंगे मेरी वीडियो से, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे देखते हैं सिर्फ इसलिए कि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आप जो मुझे रोज़ 10-15 मिनट देते हैं टाइम निकाल कर अपनी ज़िंदगी से, मुझे मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो ये आपकी कितनी हेल्प हो जाती है मेरी इससे, तो ये आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। गर्मी बहुत है, पंखा मैंने बंद किया हुआ है,
पसीना पसीना मैं हो गई हूँ। और आखिर में एक दफ़ा फिर से आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, सिद्रा सिस्टर का भी बहुत शुक्रिया, जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।